नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फेमिनिस्ट फिल्म थेरीज जो हैं कुछ, उसमें वो कौन कौन से हैं, और खासकर हम एंड्रोसेंट्रिक और इसके अलावा गाइनोसेंट्रिक और कुछ लॉरा मलवे और जो सिगमंड फ्रायड हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखिएगा, बने रहिएगा क्लास में। गाइस उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर मैं लेके आ रहा हूं, वो रहेगा 3 घंटे का मैराथन क्लास ऑन एन अकेडमी, है ना। तो ये पूरा का पूरा 100% फ्री होने वाला है ये क्लास जो है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्लास को जो है 21st ऑफ दिस मंथ यानी 21 मार्च को 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, यानी इवनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप 3 घंटे की क्लासेस में हम लोग जो इस बार सितंबर 2020 में जो पेपर हुआ था ना गाइस, 24 सितंबर को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका पेपर, हम पूरा फुल पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ, रीडिंग कम्प्रिहेंशन को छोड़ के हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्लास को मिस ना करें, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है गाइस। इसके अलावा कल इन द सेंस कि जब हम बात कर रहे हैं 19th और 20th मार्च को स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं 1-1 घंटे की, और वो 9 बजे शाम से लेके 10 बजे शाम तक यानी 9 to 10 PM ये क्लास होंगी। इन सारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप सत्यम एस कोड जरूर उसमें डालें और इस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और है कि पूरा फुल फ्लेज में, है ना, पूरा फुल फ्लेज में प्रिपरेशन हो रहा है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट जो है हमारा पेपर 2। तो इस पेपर 2 की जो आपको पता है कि स्टडी मटेरियल और उसकी गाइडेंस की बड़ी ही स्कार्सिटी रहती है, तो उन सारे नीड्स को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक, आप यूँ कहें कि 2 मॉर्निंग एंड इवनिंग मिला के प्लस कोर्स होती हैं। डेली 2.5 घंटे की हमारे क्लासेज होते हैं और इन 2.5 घंटे की क्लासेस को आपको PYQ और MCQ के थ्रू हम कर लेते हैं। तो गाइज आज की क्लास में हम आते हैं, आज की क्लास आपके सामने है, कुछ कंसेप्ट दिख रहे होंगे गाइस। ये लिखा है एंड्रोसेंट्रिक। अब ये एंड्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है? सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि कोई भी एनी कंसेप्ट, एनी फिनोमिना, एनीथिंग व्हिच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मैन, है ना, मैस्कुलिन सेंटर्ड हो यानी वो मैन सेंटर्ड हो, पुरुष के उन्मुख कोई भी फिल्में हैं, लिटरेचर है, वो गढ़ी जाती हैं, तो वो हम बोलते हैं एंड्रोसेंट्रिक लिटरेचर या फिर फिल्म है ना। फिर हम बात करते हैं जस्ट इसके अपोजिट, तो ये है हमारे लिए गाइनोसेंट्रिक। गाइनोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि कुछ एक फिल्म है या फिर लिटरेचर जो वुमेन ओरिएंटेड है, जो फेमाइन ओरिएंटेड है, तो उनको उन फिल्मों को, जैसे कि हमारे एग्जांपल के तौर पे थप्पड़ जो फिल्म थी, इसके अलावा जो फिल्म जो था पिंक, है ना, जिसमें तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन साहब थे, तो इन फिल्मों को हम बोलेंगे गाइनोसेंट्रिक फिल्म, जहाँ पे वो मेन आप यूँ कहें कि इसेंस ऑफ द स्टोरी विल बी वुमेन सेंट्रिक। एक चीज और मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आप जरूर लिखने की कोशिश करें। फिर हम प्रिंसेस सिकनेस या फिर यूँ कहें कि प्रिंस सिंड्रोम क्या होता है गाइस, जब भी हम ये फेमिनिस्ट मीडिया थ्योरी या फिर फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी पढ़ते हैं, तो लॉरा मलबे जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉरा मलबे ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने बोला था मेल गेज का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था, मेल गेज में उन्होंने बोला क्या था कि जो वुमन होती है वो किस तरीके से अपने आप को जो मेल पर्सपेक्टिव से जो फिल्में में ट्रायल होता है, यानी जो आप यूं कहें कि अभिव्यंजना एक्सप्रेशन जो होता है मेल पर्सपेक्टिव से, उस पर्सपेक्टिव के अनुसार ही अपने आप को खुद वो भी चेंज करने की कोशिश करती है। और जिस तरीके से वो, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम हीरोइनों को दिखाया जाता है फिल्मों में जो उनके फेयरी स्क्रीन स्कीन्स होते हैं, उन्हीं तरीके के कुछ बिहेवियर को खुद इम्बाइब करना चाहती हैं, खासकर वो मैन एंड लड़कियां। तो ये क्या है, वो उन्हीं लोगों के जैसा सुंदर दिखना, दिखने की कोशिश करना, ये बोलते हैं हम प्रिंसेस सिंड्रोम या फिर प्रिंसेस डिजीज बोलते हैं। और गाइज ये टर्मिनोलॉजी भी जब हम पढ़ते हैं स्कोफोफिलिया,
जिसको इस टर्म, गाइस ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बेहतरीन जो एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने साइकोएनालिटिक्स थियरी दिया था, जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड, और उन्हीं के साथ एक और है जिनका नाम है जैक्स लकेन। तो जैक्स लकेन और ये जैक्स लकेन को तो नहीं यहाँ पे, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दिया था स्कोपोफिलिया, और इसी टर्मिनोलॉजी को लॉरा मल्वे ने फेमिनिस्ट मीडिया थ्योरी में इम्बाइव करके या फिर यूं कह के अप्लाई करके देखा है ना। तो पढ़ लेते हैं, ये है स्कोपोफिलिया क्या है। स्कोपोफिलिया का मतलब है गेटिंग प्लीजर फ्रॉम सीक्रेटली वॉचिंग अदर पीपल इन अ सेक्सुअल सिचुएशन। अब सेक्सुअल सिचुएशन का मतलब ये है कि आप कुछ भी, आप यूं कहें कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ वुमन है उसको इस तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है ना, न सिर्फ वुमन बल्कि मैन भी, लेकिन खासकर क्योंकि फेमिनिस्ट थियरी हम पढ़ रहे हैं तो वुमन के पर्सपेक्टिव में ही हमें इसे समझना चाहिए। तो जब आप सीक्रेटली या फिर गुप्त तरीके से या फिर फिल्मों के माध्यम से आप देखना चाहते हैं जो हिडन है, जो अनसीएबल है, वैसे बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन को देखना चाहते हैं, तो वैसे कॉन्सेप्ट्स को सिगमंड फ्रायड बोल रहे हैं स्कोपोफिलिया। और उसी कॉन्सेप्ट्स का गाइस आगे हम लॉरा मल्वे की बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने दो टर्मिनोलॉजी दिया है, एक तो वायरिस्टिक प्लेजर है ना, वायरिस्टिक विजुअल प्लेजर, और एक है नार्सिसिस्टिक विजुअल प्लेजर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग पढ़ें, और मुझे आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि गाइज प्लीज इस जो कमेंट बॉक्स है ना, इसमें इसका आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। एक 10 सेकेंड आप उसको रोक के, वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ेंगे और इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको जरूर आंसर मिलेगा इसका है ना। तो मैं बता देता हूँ, तब तक के लिए ये आंसर विल बी ए है जी। तो मेल सेंट्रिक, आप यूँ कहें कि मेल के चश्मे से, मेल पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं, एंड्रोसेंट्रिक व्यू ऑफ सिनेमा इज मेल पर्सपेक्टिव। गाइस मैं मान लीजिए कि यहाँ पे एंड्रोसेंट्रिक ना लिख के मैं गायनोसेंट्रिक लिख दूँ तो है जी, तो फिर क्या होगा आपका आंसर? तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, फीमेल व्यू, फीमेल पर्सपेक्टिव। तो बात गाइस यहाँ तक अगर आपको समझ में आई होगी और आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इससे रिलेटेड कुछ एक जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो मैं फिर से लाने की कोशिश करूंगा। हाँ, वायरिस्टिक प्लेजर के बारे में बात कर लेते हैं। लॉरा मल्वे ये है गाइस, ये सी इज अ वेरी वेरी रेनाउंड मीडिया थियरिस्ट, आप यूँ कहें कि मीडिया रिसर्चर, खासकर फेमिनिस्ट मीडिया थियरी के में का बहुत योगदान है। इसके अलावा और भी लोग हैं, हम उनके बारे में किसी दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे, जैसे कि क्रिस्टियन मेज, जूडिथ बटलर और भी लोग। तो यहाँ पे देखते हैं वेयरिस्टिक जो विजुअल प्लेजर है, इसका मतलब यह है कि किस तरीके से लिखा है कि इज प्रोड्यूस्ड बाय लुकिंग एट अनदर किसका कैरेक्टर फिगर सिचुएशन, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, फिल्मों में किस तरीके से, किस पर्सपेक्टिव में कोई पोट्रायल हुआ है, और उस पोट्रायल के बाद उस जिस तरीके से उनका उनकी छवि प्रस्तुत की गई है, उस छवि को देख के हम जो प्लेजर लेते हैं है ना, खासकर जब हम मेल गेज की बात करते हैं, मेन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो आपको पता है कि डिफरेंट आइटम सॉन्ग्स होते हैं या फिर डिफरेंट सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, तो उसमें किस तरीके से वुमन को देख के आप सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं हम लोग, या फिर मैनी थिंग और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हमारे लिए वायरिस्टिक प्लेजर, लेकिन ये सेक्सुअल प्लेजर की जब हम बात करते हैं तो ये जो कलेक्टिव है, अब उसी का एक स्पेसिफिक वर्जन जो है, स्पेसिफिक वर्जन वो है हमारे पास नार्सिसिस्टिक विजुअल प्लेजर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उस तरीके से हम पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने की जो कोशिश करते हैं, और क्रिएटिंग सेल्फ आइडेंटिटी फ्रॉम फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ मीडिया, आई मीन चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, फिल्म हो सकता है, टेक्स्ट या फिर वो रिटन टेक्स्ट हो सकता है, या फिर वो विजुअल टेक्स्ट होता हो सकता है, जैसे कि फोटोग्राफ वगैरह या फिर कार्टून वगैरह। तो ये सारे टेक्स्ट जो तीनों तरीके के टेक्स्ट मैंने बताया गया, मैंने एक रिटन, दूसरा विजुअल, तीसरा ऑडियो विजुअल, तो इन तीनों टेक्स्ट से जब हम एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्टिक अप्रोच या फिर नार्सिसिस्टिक विजुअल प्लेजर। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर कोई वुमेन है और फिल्मों को देख के जिस तरीके से फेरी फेरी स्क्रीन है या फिर जिस तरीके के कपड़े पहनी है कोई हीरोइन, उसी तरीके से खुद अपनी आइडेंटिटी भी वो क्रिएट करना चाहती है कोई वुमेन या फिर कोई गर्ल, तो इसको हम बोलेंगे नार्सिसिज्म।
ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप आप लोग को ये जो एक क्लास ये समझ में आया होगा, इसी समझ को थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, लिखा गया है द फ्राइडियन कंसेप्ट। अब फ्राइडियन का मतलब यहाँ पे क्या है, सिगमंड फ्राइड से है। सिगमंड फ्राइड का कंसेप्ट जो है द डिजायर टू सी अनसीएबल, कुछ ऐसी इच्छा, कुछ ऐसी अभिलाषा जो आपको कुछ चीजें जो है दिख नहीं रही हैं, फिर भी उसको आप देखना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते क्या है ना। तो आपको पता ही है इसका आंसर, तो आई थिंक इसका भी आंसर गाइस क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप जरूर करके देंगे, है ना। इट विल बी गाइस वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। और इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए इसका जो गाइज आंसर रहेगा वो स्कोपोफिलिया है। और ये मैं जो भी आंसर आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ये सारे के सारे PYQ हैं। मेरा हमेशा अप्रोच ये रहता है कि आप लोगों को कंसेप्ट और कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किया दिया जाए, ताकि आपकी माइंड की फ्रेमिंग हो जाए और आप क्वेश्चन में बेहतर तरीके से, मतलब एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। चले तो गाइज मैंने अभी आपको बताया कि प्लस कोर्स जो है अनअकैडमी पे वो स्टार्ट हो चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सत्यम एस कोड आप डालिएगा, SATYAMS सत्यम एस, और आपको इसको एनरोल कर सकते हैं। गाइज आज की क्लास में हमारी इतनी ही, कुछ और भी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।